सूबे की सरकार में अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जिससे बिहार की धरती थर्रा रही है, लेकिन वर्तमान सरकार व पुलिस प्रशासन को जू तक नहीं रेंगती। एक विकास मित्र की हत्या हुए एक सप्ताह गुजर गया और हत्यारे को पुलिस अरेस्ट तक नहीं कर पा रही। मधुबनी जिले के लखनौर थाना अंतर्गत गंगापुर गांव में एक महादलित युवक को चाकू घोंप कर बेरहमी से हत्या कर दिया गया, जिसके बाद इन इलाके में खौफ का माहौल कायम हो चुका है। दरअसल योगेंद्र सदाय नाम के युवक को पहले तो खाना दिया और फिर उसे मौत की नींद सुला दी। उसके बाद तो गंगापुर गांव में कोहराम मच गया। मृतक के भाई की बात माने तो सच में पुलिस रिश्वत लेकर हत्यारों को संरक्षण दे रही है। मधुबनी से हमारे संवाददाता राकेश कुमार यादव की रिपोर्ट। बात ये है सर, जैसे ये लोग एफआईआर किए, कहने के बाद ये लोग अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मतलब एक लहास चला गया है, घर से आदमी चला गया है और उस पर ये लोग मतलब अपना घर में जाके, मतलब जो थानेदार है वो अपना घर में जाके निश्चिंत से सो गया है। मालूम भी ये भी पड़ा है कि जो मतलब कुछ घुस इन लोगों को मिल गया है लखनऊ थाना में, इसलिए थानेदार कुछ करने का अति नहीं करने सोच रहा है। और ये कानून कार्रवाई जो ये मर्डर हुआ, जो आलोक और आलोक का साला ये दोनों मिल के किया है। मैंने क्या वजह हो सकती है ये आलोक का साला से पहले लफड़ा हो गया था जोगिंदर सदाय को। अच्छा, कोई डिटेल बात हम आपको बता रहे हैं डिटेल, वो मतलब आलोक का साला इस लगा चार घटना कर चुके हैं खरवाड़ में। अच्छा, वही किए हैं, दूसरा और नहीं कोई करते हैं। लेकिन इससे पहले यही पर्चाधारी जो ये फैक्स में ठहरा हुआ था ना, उस पर्चा इसको नाम दिए बोला था जो देने के लिए, उस पर ये क्या किया तो मतलब चाहे उधर आधर किया होगा, उस दोनों का झगड़ा हुआ था ब्लॉक पर, कोई दस्तखत करने के लिए नहीं किया था। तो वो आलोक का सार ये घटना चार ठोक कर चुका है इस गांव में आकर के। अच्छा, तो आप कौन हुए जोगिंदर सदाय? हम जोगिंदर सदाय का मसीहत भाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सेवी सदाय।